ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन अच्छी शुरुआत है। आज करीब 5 लाख लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। जब मीडिया दबाव में है और ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई इसकी, और राजीव गांधी की देन है, जब वो प्रधानमंत्री थे तब सपना देखा था कंप्यूटर का, आईटी का, और इंटरनेट के माध्यम से हम लोग देश दुनिया से जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा कि युवा पीढ़ी आगे आए, इस कैंपेन में भाग लें और सही तस्वीर देश की जनता तक पहुँचे, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। आज डेमोक्रेसी खतरे में है। जिस रूप में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है एनडीए की, जिस प्रकार से जुडिशरी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इलेक्शन कमीशन, तमाम संस्थाएं दबाव के अंदर काम कर रही हैं, ऐसे हालात में कैसे डेमोक्रेसी जिंदा रहेगी? हर व्यक्ति यार व्हाट्सएप बात करना चाहता है, फेसबुक पे बात करना चाहता है, फेस टाइम पे बात करना चाहते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इस माहौल में सब लोग जी रहे हैं और सब चिंतित है। बुद्धिजीवी हो चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, हर वर्ग आज समाज का बहुत ही चिंतित है कि आने वाले वक्त में इस देश का भविष्य क्या होगा। ऐसे वक्त में राहुल गांधी जी जिस रूप में इस देश के नौजवानों को एक संदेश दे रहे हैं, उसको हमें बारीकी से समझने की आवश्यकता है। वो चाहते हैं कि देश और देशवासियों को किस प्रकार से आने वाले वक्त में बड़ी भूमिका हो, देश एक रहे, अखंड रहे, देश फासिस्टी और सांप्रदायिक ताकतों से मुकाबला करने में कामयाब हो, और इसके लिए जरूरी है कि हम लोग इस सोशल मीडिया कैंपेन से जुड़ें। कांग्रेस हमेशा युवाओं को तरजीह दी है। मैं भी NHOA का अध्यक्ष था राजस्थान का, 73 से मैंने देखा है, और आज मैं उसके बाद में 5 बार मेंबर पार्लियामेंट बना, केंद्रीय मंत्री बना, मैं 30 साल की उम्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री बना, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बना, 3 बार मैं AICTE का महामंत्री बना और 30वीं बार मुख्यमंत्री हूँ। और आज जो लीडरशिप है देश के अंदर, कांग्रेस के अंदर, चाहे वो AICTE में हो, चाहे वो राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो महामंत्री AICTE के रूप में हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों, तमाम वो लोग हैं देश में, अधिकांश लोग जो 70 के दशक में NSU में और युवा कांग्रेस में आए थे। हमेशा मैंने देखा है कि कांग्रेस ने युवाओं को तरजीह दी है। युवाओं का भविष्य बहुत उज्ज्वल है राहुल गांधी के नेतृत्व में, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। और जिस प्रकार RSS ने और BJP ने राहुल गांधी जी की इमेज को सोशल मीडिया के माध्यम से डैमेज करने का प्रयास किया, ऐसे प्रयास BJP 50 साल से करते आ रही है, चाहे इंदिरा गांधी जी थी, चाहे राजीव गांधी जी थे, चाहे सोनिया जी आई थी राजनीति में तब भी और अब भी। ये कोई नई बात नहीं हमारे लिए, पर ये नई पीढ़ी को ये बातें मालूम नहीं है, कई बार वो गुमराह हो जाते हैं। हमें देश को, देशवासियों को, युवा पीढ़ी को समझाना पड़ेगा कि वास्तव में हकीकत क्या है। इसलिए मैं आह्वान करना चाहूँगा कि इस ज्वाइन कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन से आप जुड़े, ये मेरी आपसे अपील है। धन्यवाद।